अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक अच्छा और पायदार एक्सटेंशन बोर्ड तैयार करना सिखाएंगे जो बआसानी आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो जिसके लिए कुछ चीज़ें आपको दरकार होंगी वो इजीली आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप तार ले लें, आपको जितना भी बड़ा एक्सटेंशन बोर्ड बनाना है उस हिसाब से आप तार परचेज़ करके ले आएँ, और कोशिश करेंगे कॉपर में लेके आएँ ताकि आपका एक्सटेंशन बोर्ड वो ज़्यादा अरसे तक चले। एक अदद आपको बोर्ड चाहिए होगा तो वो भी आप खुद देख लें कि आपको कितने सॉकेट्स का और कितने उसमें बटन लगाने, कितना बड़ा आपको बोर्ड चाहिए तो वो परचेज़ कर लें आप। इसके अलावा आपको कुछ सॉकेट्स चाहिए, मैं एक स्विच का बनाऊंगा तो इसलिए मैंने एक स्विच ले लिया है, बाकी हम 5 सॉकेट्स इसमें लगाएंगे। एक अदद आपको प्लग चाहिए और थोड़ा सा आपको वायर चाहिए इसकी वायरिंग करने के लिए, और कुछ टूल्स चाहिए आपको जिसमें एक टेस्टर है और एक प्लास आप ले लें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप इन तमाम स्विचेस को इस बोर्ड के अंदर लगा लें। अच्छा दोस्तों, इनकी डायरेक्शन का ख्याल रखिएगा, इनकी डायरेक्शन बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। दोस्तों हमारे स्विचेस लग चुके हैं बोर्ड के अंदर, तो अब आइए इसको इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये जो सॉकेट हैं 1 2 3 4 और ये 5, इन 5 सॉकेट को आपने आपस में ऊपर वाली साइड शॉर्ट कर देनी है।
जी दोस्तों, हमारी एक साइड तैयार हो चुकी है, आइए अब दूसरी साइड को शॉर्ट करते हैं। जी दोस्तों, दूसरी साइड भी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको टेस्टर की मदद से अच्छी तरीके से इसके जो स्क्रू हैं उनको टाइट कर दें ताकि लूजिंग ना रहे। तो आइए अब हम अपनी वायर को इसके साथ कनेक्ट करते हैं। ये मेरे पास एक पुरानी वायर थी पड़ी हुई, तो मैं उसी को इस्तेमाल में लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने लकड़ी के अंदर, इस बॉक्स के अंदर होल कर लें, ये मैंने पहले से किया हुआ है ताकि इसके अंदर से इस वायर को गुजारा जाए। उसके बाद दोस्तों इसको एक गिटान दे दें ताकि ये कि आपका एक्सटेंशन बोर्ड कहीं अगर लटके या फिर इसका तार वार कहीं खुदा ना खास्ता खिंच जाए तो इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो सके। तो हम इस तार को छील लेते हैं। आप किसी भी एक वायर को स्विच की एक साइड पे कनेक्ट कर दें। अच्छा दोस्तों, अब ये जो दूसरी साइड है ना स्विच की, इसको आपने कनेक्ट करना है सॉकेट की किसी भी एक साइड से ताकि जब ये स्विच ऑन हो तो ये जो करंट यहाँ पे आ रहा है ये करंट पास होके इसकी एक साइड पे चला जाए। अच्छी तरीके से टाइट कर दें टेस्टर की मदद से ताकि कहीं लूजिंग ना रहे। अच्छा दोस्तों, अब ये जो दूसरी साइड है इसको आपने कनेक्ट करना है सॉकेट की दूसरी साइड। यहाँ पे आप किसी के साथ भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं, हम यहाँ कर देते हैं इसको।
लीजिए दोस्तों, दोनों वायर हमारी कनेक्ट हो गई हैं। अब हम इस एक्सटेंशन बोर्ड को बंद कर देते हैं। लीजिए दोस्तों, बॉक्स हमारा तैयार हो चुका है। अब आइए ये प्लग इसके साथ अटैच करते हैं। ये जो प्लास्टिक की इसकी बॉडी है, इसको इस तार के अंदर से गुजार लें। जी दोस्तों, लीजिए एक्सटेंशन बोर्ड आपका तैयार हो चुका है। आइए अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये देखें दोस्तों, बल्ब जल गया है। दूसरे सॉकेट में चेक करते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल इन्फो जानो को सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाले नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।